तो ये देखो जी, ये अपनी बस है जो अपने को ना दिल्ली तक लेकर जाएगी। और बस की ना कुछ अंदर से ना लुक इस तरीके की है। हाँ जी, सो गाइस यहाँ पे ना टाइम ऑलमोस्ट 8:15 हो चुके हैं और अभी हम इस वाले व्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज अभी ना मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ। दिल्ली के अंदर मेरे को ना 2-3 दिन का काम है, वो काम निपटा के फिर आगे निकलेंगे। बट ये चीज बतानी जरूरी नहीं थी, जरूरी ये था बताना कि इस वाले व्लॉग के अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अमृतसर टू दिल्ली या दिल्ली टू अमृतसर वॉल्वो पे आप लोग कैसे आ सकते हो और वॉल्वो के क्या चार्जेस होते हैं और वॉल्वो कितनी कम्फर्टेबल होती है, वॉल्वो रस्ते में कितनी बार रुकती है, क्या सारी स्टोरीज होंगी, क्या सारी चीजें होंगी। छोटा सा व्लॉग बनाएंगे अमृतसर टू दिल्ली वाला। और ये देखो, वैसे ना ये वाला मेरा रूम था कुछ इस तरीके से। वैसे तो मैंने बहुत गंदा कर दिया था, फिर साफ भी कर दिया है क्योंकि सामान ना मेरा सारे के सारे पैक हो चुके हैं। रूम अपने को ना बहुत ही रीजनेबल रेटों पे मिला था और ये इसका वॉशरूम है तो रूम बहुत बढ़िया है, नो डाउट। थोड़ा सा गुरुद्वारे से दूर है, ऑलमोस्ट 100-150 मीटर के आसपास होगा। बट एक कमी थी, एक कमी पता क्या हो गई कि होटल वालों ने मेरे को गर्म पानी नहीं दिया। भाई 3 दिन से ठंडे पानी से नहा रहा था मैं, मेरे को पता मैं कैसे नहाया हूँ। अभी होटल से जाते जाते इनको बोलते हुए जाऊंगा कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा कि तुमने मेरे को गर्म पानी नहीं दिया। बाकी चलो यार, जो भी है, टाइम निकल गया, सारी चीजें निकल गई, रात गई, बात गई, अब चलते हैं आगे, नहीं तो अपनी ना बस निकल जाएगी और रात यहीं बितानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, बस जो है ना वो है मेरी 10 बजे की। बस मेरे को मिलेगी अमृतसर के मेन गेट रेलवे स्टेशन के बाहर, जहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 होता है ना, उस साइड पे अपने को बस मिलेगी, लॉरेंस रोड वाली साइड पे मतलब, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से, देर हो गई है वैसे मेरे को ना रेडी होते होते। ये देखो कुछ इस तरीके की अपनी लुक है, एक बैग आगे है, एक बैग पीछे है, एक बैग साइड पे है, नहीं तो भैया बस निकल जाएगी। चलो चले, चलो जी, बाय बाय है रूम आपको, बाय बाय। ये छोटा सा रूम था अपना, मैंने 10 दिन देना, मैं उस टाइम कर लेंदा। मैं सवेरे आके उन्होंने पूछ रहा, मैं कहा पानी दे, कह रहा नहीं दिया। भाई मेरे को कह रहा था कि रिव्यू कर दो होटल का, मैंने कहा भाई देख मैं नहीं करूँगा क्योंकि तूने मेरे को ना गर्म पानी नहीं दिया नहाने के लिए, तो मैं रेटिंग कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। अगली बार आऊंगा गर्म पानी दे देना, फिर मैं रेटिंग दे दूंगा, अभी नहीं देके जाऊंगा मैं। अमृतसर की ना अंदरून गलियों में से निकलते ना मेरी एक छोटी सी इस दुकान पे ना नजर पड़ी और ये देखो यहाँ पे ना कंघा साहिब बन रहे हैं। कंघा बेसिकली सरदारों की ना वुडन वाली, प्योर वुड वाली कंघी होती है जिसको ना सरदार जी खुद अपने हाथों से बना रहे हैं और ये प्योर लक्कड़ की कंघी है, प्योर लक्कड़ की जिसको बोलते हैं ना। ये देखो, चेक करो यार। तो ये सारी चीजें ना हम लोगों को देखने को ना सिर्फ इस अमृतसर के अंदर ही मिलेंगी और इसके अंदर देखो मेहनत बहुत ज्यादा वाली है, सारा काम हाथ से हो रहा है, टोटल काम हाथ से हो रहा है। छोटी सी क्लिप बनाई है मैंने, कोई ज़्यादा बड़ी क्लिप नहीं बनाई है, बढ़िया दिखा रहा था कि देखो यार कितनी मेहनत से ये चीज़ें यहाँ पे तैयार हो रही है। और वैसे ना एक बात बताऊँ, यहाँ पे ना घर घर के अंदर कुछ ना कुछ बनता होता है और ज़्यादातर चीज़ें ना हाथ से बनाई जाती है और ऑलमोस्ट वो सब चीज़ें ना यहाँ की स्पेशल है। तो मैं ना स्टेशन के बाहर आ गया हूँ। वैसे ना जो सरदार जी मेरे को लेकर आया ना रिक्शे के ऊपर, बहुत लंबा घुमा के लेकर आया, मैंने उनको बोला है कि आप बहुत लंबा घुमा के लेके जा रहे हो, बट वो मानते ही नहीं, कह रहे नहीं मैं ठीक लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो आपको ज्यादा नॉलेज है कि ना इस साइड पर प्लेटफॉर्म स्टेशन नंबर 1 है, यहाँ से अगर हम अंदर जाए ना और एंट्री करें तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 आ जाता है अमृतसर के स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही ना, ये देख रहे हो। और इस साइड पर ढाबे डूबे हैं और सामने देखो वॉल्वो की बसेस खड़ी हुई हैं और वैसे तो इधर भी बसेस के ना कुछ ऑफिसेस बने हुए हैं, बट सामने ना आपको बढ़िया वाली वॉल्वो वाली बसेस मिल जाएंगी, तो उस साइड पे चलते हैं। और सुंदरी मुंदरी ओए की हाल है, पहचान दे हो मैनू, नहीं पहचान दे हो, चलो छड्डो फरा कोई गल नहीं। लेमन दे कितने पैसे गए ने, 1 सवारी है 600 रुपया, पक्की गल, चलो फिर चलिए अगे वाली सीट मिल जाएगी। तो ये देखो जी, ये अपनी बस है जो अपने को ना दिल्ली तक लेकर जाएगी और बस की ना कुछ अंदर से ना लुक इस तरीके की है, प्रॉपर बड़ी बड़ी विंडोज है और जो अंदर का फील है ना भाई, एरोप्लेन से कम वाला फील नहीं है। सीट्स ना देखने में कितनी कंफर्टेबल लग रही है, बहुत सही है। और साथ में ना ये अलग से ये भी दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं है, बाकी पुश बैक सीट्स है, सेमी स्लीपर्स है बेसिकली, तो इससे कुछ टांगे हमारी ऊपर आ जाएंगी और यहाँ से ये सीट बेंड हो जाएगी। बाकी मेरी सीट ना थोड़ी पीछे चली गई है, तो मैं बात करता हूँ कि भाई मेरे को पीछे की सीट क्यों दे दी इतनी, ओए होए बड़ी पीछे भेज दिया भाई, यहाँ तक ले आए मेरे को, है सही है। मैं ना पहला ही पैसेंजर हूँ, टाइम से आ गया था यार यहाँ पे ना, क्योंकि बस यहाँ से ना 10 बजे चल पड़ती है और अगर आपको अभी टाइम दिखाऊँ ना तो टाइम ऑलमोस्ट अभी देखो 8:55 हुए हैं और मैंने कहा
पहले चलते हैं टाइम से, बिकॉज अमृतसर के ट्रैफिक के बारे में पता नहीं है, कहीं देर हो गई और अपने को ना फिर अच्छी बस नहीं मिलेगी। अगर मैं लेट आऊँ ना, बसें तो बहुत है यहाँ पर, बट अच्छी बस के लिए टाइम से आपको आना ही पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक बस है, ये इसके गियर है और नीचे देखोगे ना तो सिर्फ दो ही पेडल है। इस बस की जो वैसे कहते हैं कॉस्ट होती है ना, वो काफ़ी महंगी होती है। इस बस के अंदर ना ट्रैवल करने का ना मेरा मकसद पता क्या है कि ये बस ना एक तो बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल कैसे, आपको छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। पीछे ना इसके ना इस तरीके से ना डबल टायर है। डबल टायर का मतलब कि ये डबल एक्सेल वाली बस है, और ये जो बस है ना एकदम प्राइम और सुपर कंफर्ट लेवल वाली बस होती है। तो इस चक्कर से इस बस के अंदर ट्रैवल करके हम अपना आराम से अपनी जर्नी को अमृतसर टू दिल्ली कवर करेंगे, ठीक है। और बस के लुक कुछ बाहर कहते हैं। भाई मैं ना ये नेक वाला मफलर पहन कर आया था, बट इसको पहन के ना अभी से बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि बस की ना सारी विंडोज बंद है और शायद अभी हीटर वीटर भी चल जाएगा, तो अंदर का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत सही है। और साथ में ना इन्होंने ब्लैंकेट वगैरह भी रखे हुए हैं, बट मेरे को तो गर्मी लग रही है, मैं सोच रहा हूँ उसको उतार ही दूँ। भाई हालत ख़राब हो रही है इसको पहने में, बट वेट करते हैं जरा एक बार बस चल जाए ना, उसके बाद अगर लगेगा ना तो फिर उतारूँगा। एरोप्लेन वाले फीचर्स दिए हुए हैं इस तरीके से, और ये बटन हैं, लाइट ऑन कर दी, लाइट ऑफ हो गई, ये देखो सही है ना, क्या बात है क्या बात है। एक चीज और चेक करो कि बस के अंदर ना सफाई कितनी है, और ये जो ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है ना ग्रास वाला, ये भी बहुत सही लग रहा है। ये देखो यार पीछे तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन बस है, मतलब कहीं पर भी कोई ना तिनका तक नहीं है गंदगी का। निकल जाएगी भाई, तैयारी पूरी है बस की, सवारी ऑलमोस्ट आ चुकी है, कुछ सवारियां भी नीचे खड़ी हुई हैं। मेरी तरह जो शरीफ सवारियां होती है ना वो चुपचाप आके बस में बैठ जाती है, तो मैं शरीफ हूँ ना, तो इसलिए मैं चुपचाप आके बैठ गया हूँ बस के अंदर ही, कि भैया कहीं मेरे को छोड़ के ना चली जाए। बाकी मेरी ना ये वाली जो बस है ना, ये अरोड़ा वैष्णो ढाबा करके है, ये देखो अरोड़ा वैष्णो ढाबा, इसके बाहर खड़ी हुई थी। और यहाँ पे ना टाइम अब हो रहा है इसका 9:35, और बस ना हल्का हल्का करके ना मूव करना शुरू कर रही है। वैसे इसका टाइम 10 बजे का है, बट ये ना 9:35 पे मूव कर रही है, मतलब बिफोर टाइम मूव कर रही है, ऑन टाइम पहुँचा देगी पक्की बात है। 9:40 पे बस चल पड़ी है भाई। खाना यार एक अपना ही मजा होता है। मैं ना अपने लिए अमृतसरी पनीर की भुर्जी पैक करा के लेकर आया हूँ, साथ में ना ये ब्रेड मिली हुई है, तो इसको खाते हैं और उसके बाद ना फिर मैं सो जाऊंगा। तो यही वाला सीन है कि मैं अपना डिनर कर रहा हूँ, और आज का अपना डिनर यही होने वाला है, पनीर की भुर्जी विद सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रेड, और इसको खा के फिर सोते हैं। भाई मिस करूंगा इसको मैं दिल्ली जाके। टाइम हो रहा है 12:45 के आसपास, और हमारी बस ना, और ये वाली हमारी बस इस वाले किसी होटल पे आके रुकी है, दोराहा में करके कोई जगह है तो वहाँ रुकी है। अभी कितना डिस्टेंस बचा है ये तो मेरे को पता नहीं है, बट यार बाहर से ना बस देखने में है कितनी बड़ी यार, है ना, कितनी बड़ी है। बाकी मेरी ना पता है बड़ी मुश्किल से मेरी आँखें खुली है और मैं व्लॉग बना रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ये देखो 3J पंजाबी वैष्णो ढाबा करके यहाँ रुकी है, तो ठीक है यार सही है, चलते हैं। अभी तो मेरे को नींद आई हुई थी बहुत ज़्यादा, उठा था बाथरूम करने गया था, बाथरूम करके आया हूँ, और अब दोबारा से ना सोते हैं, ठीक है। भाई नींद आ रही है मेरे से, नहीं ब्लॉग बन रहा अभी, ठीक है। छः बज के 10 मिनट हो गए हैं, वैसे ना बस आज थोड़ा सा लेट हो गई है, नहीं तो नॉर्मली बस ना यहाँ पर 5 बजे तक ना हमें छोड़ देती होती है, बट कोई चक्कर नहीं है, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा वाली लेट नहीं हुई है, और मैं तो ना बहुत मज़े से सोया हुआ था। उल्टा अभी थोड़ा सा अगर और लेट पहुँची ना तो भी बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि मैं सोया ही हुआ था। तो बाकी अब हम ना इस वाली वीडियो को ना यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी,